गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने दी। बता दें कि गुजरात सरकार ने यह फैसला विधानसभा चुनाव से पहले किया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। कैबिनेट ने कमेटी के गठन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दी है। बताया जा रहा है कि यह कमेटी समान नागरिकता संहिता की संभावनाएं तलाशेगी। हाईकोर्ट के रिटायर जज इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले गुजरात सरकार के गृह मंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, इसके लिए कमेटी का गठन करने की योजना है। आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। गौरतलब है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।